तो दोस्तों मल्लिक हम अंदर से वापसी करते हैं और आपको पीछे दिखा रहे हैं। वापसी हमारी चल रही है और पीछे देखिए आप कितनी बर्फ गिरी है, काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। पीछे आप देख सकते हैं काफी थक चुके हैं, यहाँ पे वापसी कर रहे हैं। पीछे स्नोफॉल काफी ज्यादा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इस तरीके से। 1 फीट तो है, अभी भी है यहाँ पे, पता नहीं पहले कितनी भी थी। कितना सुंदर व्यू है इस साइड का, देखिए आप चलते रहिए। देख सकते हैं पीछे आप पूरा यहाँ पे फिर से मांग हो रही है एक और नई स्नोमैन की, कुछ दमदार यहाँ पे। लेकिन नहीं, समय है 4:30 बज चुके हैं, हमें लेट हो जाएगी बनाना है। सोचते रह जाओगे, अब चलो अब फिर नेक्स्ट करेंगे कभी। जाए पीछे देख सकते पूरा कवर है। हेलो गाइस, सो गाइस जिस रास्ते से मल्लिका मंदिर गए थे वो रास्ता दूसरा था, जहाँ से हमने वापसी करी दूसरा था। अभी हम आ रहे गणनाथ से रास्ते से। सो आप पीछे मेरे देख सकते हैं अभी गणनाथ मंदिर के ऊपर हैं हम, इस तरह के ये पूरा मंदिर है नीचे। अब आपको मंदिर के अंदर भी ले जाएंगे। सो गाइस ये ब्लॉग जो आएगा दूसरे पार्ट में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में हम इतने सारे ब्लॉग नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और सब मिक्स हो जाता है, तो देखने में उतना मज़ा नहीं आता। तो हम उसको 2 पार्टों में डालेंगे, 2-3 पार्ट जितने बनेंगे अपडेट रहेंगे। कनेक्ट रहिए बेल आइकन के साथ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गणनाथ मंदिर। ये जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है मेन, और जो पता था वो माता का मंदिर है, बीच में गणेश का मंदिर पड़ता है। अभी हम जाएंगे इस मंदिर के अंदर, देखेंगे यहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गणनाथ मंदिर में, अब आपको ले चलते हैं इस मंदिर के अंदर के व्यू में। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया व्यू है इसके अंदर का। सो गाइस चलते हैं अंदर को। इस मंदिर में आप देख सकते हैं नेचुरल यहाँ पे धारा है एक, जहाँ पर से हम हाथ पैर धो के मंदिर के अंदर जाएंगे। पहले चलते हैं इधर को। एकदम शांति का मौसम है। अब किताब पे चंदन घिस रहा है। तब तक का आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा देते हैं हम। नंदी यहाँ पे, ये है यहाँ का मुख्य शिवलिंग जहाँ पे पूजा अर्चना होती है। पूरा मंदिर धोया गया है साफ तरीके से। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से शिवलिंग है जो पानी दब चुका है यहाँ पे, ये नेचुरल है यहाँ पे पूरा। उसके बाद जो शिवलिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो शिवलिंग है इस पर आप ऊपर से जो जटाओं का पानी है वो शिवलिंग पर गिरता है यहाँ पे पूरा, इस तरीके से देख सकते हैं आपको हम। एक शिवलिंग बनाया गया है यहाँ पर और ये पानी सीधे नीचे को जाता है, जिस पर से हमने हाथ कर दो ये पानी। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हो पूरा गणनाथ मंदिर का परिसर है यहाँ पर, ये मुख्य मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है। ये पीछे पूरा गणनाथ का परिसर आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। यहाँ से जो आप देख रहे हो पीछे हम यहाँ इस रास्ते से आए थे,